कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। जब कांग्रेस पार्टी इतना भ्रष्टाचार करती है तो साथी भला क्यों बाकी रहेंगे। आम आदमी पार्टी, आबकारी जकात का घोटाला, लोगों के उपचार में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, ढेर सारे घोटाले किए, लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी घोटाला किया, और आज उनका सारा नेतृत्व कोर्ट से भागता है, कोर्ट से भागता है, एजेंसियों से भागता है। झारखंड में एक एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया जब्त होता है। छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम से जुआ खिलाने का एक घोटाला आता है। डीएमके के मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपया बरामद होता है। तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के घर से अनेक करोड़ रुपया, 55 करोड़ तो एक ही स्थान पर से मिलते, अनेक करोड़ रुपयों का, सैकड़ों करोड़ के घोटाले बाहर है। और लालू जी सजा आपता है और अभी भी एक एक नई नई भ्रष्टाचार की एफआईआर उन पर हो रही है। मित्रों, पूरा इंडी अलायंस ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन, ये पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त, देश की जनता ने तय करना है। भ्रष्टाचार के दूषण को समाप्त करने वाले नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट देना है, या भ्रष्टाचार ही जिनका धर्म है ऐसे इंडी अलायंस को मत देना है, ये देश की जनता ने दे। मित्रों, परिवारवाद, अभी ढेर सारे पत्रकार, कुछ मीडिया चैनल इंडी अलायंस, इंडी अलायंस बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज। अगर मुझे कोई कहे कि इंडी अलायंस क्या है तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, 7 परिवारी परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडी अलायंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते, ये देश की जनता को। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक और मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है, और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। डेमोक्रेटिक अलायंस, डेवलपमेंटल अलायंस और डायनेस्टिक अलायंस के बीच में देश की जनता को पसंद करना है। मुझे विश्वास है कि एक और मोदी जी देश के और गरीबों के विकास के लिए काम करें, और दूसरी ओर अपने परिवार की चिंता करने वाली पार्टियां हैं, देश निश्चित रूप से विकास की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सिलेक्ट करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।